जामताड़ा। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई व्हाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन की जा रही थी, लेकिन बहुत से बच्चे की पढ़ाई स्मार्टफोन की अनुपलब्धता के कारण बाधित हो रही थी। ऐसे में शिक्षा की मुख्य धारा से दूर हो गए थे, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में यह समस्या उत्पन्न हो रही थी। ड्रॉपआउट बच्चों के अभिभावकों का कहना था कि हमारे पास ना तो स्मार्टफोन है और ना ही इंटरनेट का खर्च उठा सकते हैं, कोरोना काल में अपना घरेलू खर्च ही उठा लें काफी है। बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो इसके मद्देनजर राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से शिक्षण का कार्यक्रम दूरदर्शन एवं रेडियो के माध्यम से कराया जा रहा है। या यूं कहें, अब बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय और हमारा रेडियो हमारी पाठशाला के तहत पठन पाठन की शुरुआत 28 जून से की गई है। इस बाबत ADPO संजय कुमार कापरी ने कहा कि जिले में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के 1,25,000 बच्चे नामांकित हैं, जिसमें व्हाट्सएप के माध्यम से केवल 46,000 बच्चे ही शिक्षा से जुड़ सके थे। शेष 79,000 बच्चों को जोड़ने के लिए दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। यह कार्यक्रम 28 जून से 2 जुलाई तक सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आधे आधे घंटे का विभिन्न कक्षाएं संचालित की जाएंगी। वहीं शिक्षा से जुड़ी सामग्री आकाशवाणी से प्रत्येक दिन प्रसारित की जाएगी। इसके लिए विद्यालय के प्रधानाध्यापकों एवं सभी शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे इस बाबत बच्चों और अभिभावकों को सूचित करें ताकि वे लाभान्वित होने से वंचित न रह जाएं। स्कूली पढ़ाई रेडियो और टीवी से शुरू किए जाने से छात्रों में काफी हर्ष और उत्साह है। जामताड़ा के रानीगंज गांव की छात्रा अनीता राउत, संगीता कुमारी, आरती राउत, मिथिलेश राउत, अंकिता राय व छात्र मिथिलेश राउत रोहित हेमराम ने कहा कि कोरोना काल में विद्यालय के बंद रहने से ऑनलाइन की पढ़ाई हो रही है, लेकिन हम लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था जिस कारण हमारी पढ़ाई बाधित हो गई थी, लेकिन अब टीवी के माध्यम से पढ़ाई होने से हम लोगों को पढ़ने में कोई बाधा नहीं आएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची द्वारा वैसे बच्चे जो कोरोना काल में किसी माध्यम से पढ़ाई से नहीं जुड़ पाए हैं, वंचित हैं, उनके लिए रेडियो एवं दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम दिनांक 28 जून से शुरू की जा रही है। इसमें वैसे बच्चे जुड़ेंगे जो किसी भी माध्यम से, जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, सुदूरवर्ती गाँव के हैं, वैसे बच्चों को जोड़ने की ये योजना हम लोगों के द्वारा प्रारंभ की गई है और इसमें लगभग जिले के 80,000 बच्चे जुड़ पाएंगे और उनको शिक्षा का लाभ मिलेगा। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।